हमीरपुर जिला के भोटा सिविल अस्पताल का एक कारनामा सामने आया है, जिसमें मामूली बुखार से पीड़ित एक युवक टाइफाइड का मरीज बना दिया। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब मरीज ने दो प्राइवेट लैबों में जाकर टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट सामान्य आई। भोटा के स्थानीय निवासी पवन कुमार को हल्का बुखार होने पर भोटा अस्पताल में चेक करवाया गया, तो वहां पर डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए कहा। पवन ने सरकारी लैब में टेस्ट करवाने के बाद आई रिपोर्ट को देखकर चौंक गए, क्योंकि मामूली बुखार पर ही टाइफाइड की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा दी। जब उसे शक हुआ तो बाहर जाकर दो प्राइवेट लैबों में टेस्ट करवाए, जिसकी रिपोर्ट में टाइफाइड बिल्कुल भी नहीं आया, जिसके चलते भोटा अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। गलत रिपोर्ट देने की वजह से मरीजों में भी हैरानी जताई है। पवन का कहना है कि उसे मामूली बुखार है, तो उसे चेक करवाने के लिए भोटा अस्पताल पहुंचा। भोटा अस्पताल में डॉक्टरों ने टेस्ट करवाने की सलाह दी। अस्पताल के सरकारी लैब में टेस्ट करवाया तो उसमें टाइफाइड पाया गया, जबकि मैंने दो प्राइवेट लैबों में टेस्ट करवाया तो टाइफाइड नहीं था। इलाज करवाने के लिए गया था, क्योंकि थोड़ा सरकार से मैंने कहा चेक करवा लेते हैं। वहाँ गया तो मेरे को सलाह दी गई कि टाइफाइड का टेस्ट करवाओ। जब मैंने टेस्ट कराया तो लैब की रिपोर्ट आई कि आपका जो ये टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव है, आपको टाइफाइड। फिर मेरे को शक हुआ, मैंने बाहर की लैबों में टेस्ट कराए, दो प्राइवेट लैबों में, वहाँ पर रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो आप भी बताइए कि हम किस लैब पर विश्वास करें, सरकारी हॉस्पिटल की लैब पर विश्वास करें या प्राइवेट लैब के विश्वास करें। उधर बरसर खंड चिकित्सा अधिकारी HR कालिया का कहना है कि मेरे पास इस तरह का कोई मामला नहीं आया है, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी छानबीन की जाएगी। इस तरह का मामला मेरे ध्यान में नहीं है, न ही कोई किसी तरह की इस तरह की शिकायत आई है कि अंदर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और बाहर जो है वो नेगेटिव आया है। अगर ऐसा मामला होगा तो उसकी जांच